रहीम। कुरान करीम में इरशाद होता है, तुम्हारे लिए पैगंबर खुदा की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। यहाँ सोचने की बात यह है, जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला खुद ये इरशाद फरमा रहे हैं, तो गोया उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए ना सिर्फ काबिल तकलीद है, बल्कि अगर हम उस पर अमल करें तो दीनों दुनिया दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी बात करें इलाज की और बीमारियों के इलाज की, ग़िज़ा से और दुआ से बहुत सी जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज मुमकिन है। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, लेकिन हमारी टॉपिक की डायमेंशन थोड़ी सी चेंज इस तरीके से होगी कि हम इन तमाम रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का इलाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के वज़ा करदा तरीकों के मुताबिक जानेंगे। यही होगा हमारा आज का टॉपिक, रोज़ा और तिब्बे नबवी। मैं हूं आपके साथ शहनीला बजहर और मेरा साथ दे रहे हैं डॉक्टर हामिद। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपका आज का रोज़ा भी अच्छा गुजर रहा होगा। हमेशा की तरह इस दुआ और इसी इल्तजा के साथ कि जहां अपना अपने अजीज़ों का आप ख्याल रखते हैं, उन्हीं दुआओं में अफ्तारी की उन सातों में जब कोई दुआ रद्द नहीं होती, तो उसी वक्त अपने प्यारे पाकिस्तान इस सोनी धरती को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ख़वातीन हज़रात, आज इस स्टूडियो में जो मैं बैठा हूँ, मुझे 2007 का वो लम्हा याद आ रहा है कि जब मैं तलाश हकीकत के सफ़र में सरगर्दां, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो ऐसा हुआ कि मेरी नज़र एक किताब पे पड़ी तलाश हकीकत के नाम से। उसके टाइटल पेज पे लिखा था वेयर द फिज़िक्स एंड्स मेटाफिज़िक्स बिगिंस। अब यकीन जानिए कि उस किताब ने ना सिर्फ मुझे फ़ायदा दिया, बल्कि मेरे ज़रिए बेशुमार मेरे रिलेटेड दोस्तों को एक अच्छा तरीका और राह अमल अता फरमाया। आज मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है और फ़ख्र की बात है कि मैं उसी किताब के मुसन्निफ़ और खालिक का आपसे तारुफ करवाने जा रहा हूँ। इंतहाई अजीम शख्सियत, एक संजीदा और पहुँची हुई शख्सियत हैं रूहानी हवाले से और दुनियावी हवाले से। इनका ऐसी ही बहुत सारी शोरा आफाक किताबें, मावरा के नाम से कॉस्मोलॉजी पे बहुत सारा काम किया, जदीद कुरानी नज़रियात, साइंसी नज़रियात को कुरान के साथ इंटरलिंक किया, और कुरान एक साइंसी मौजज़ा के नाम से किताब ज़िंदगी कुरान हकीम की तफसीर के हवाले से, द फर्स्ट एंड द लास्ट कॉस्मोलॉजी एंड ह्यूमन डेस्टिनी, और इस्लाम का हमागीर निज़ाम सेहत, ऐसे बहुत से शोरा आफाक काम किए जो कि इनकी एक मल्टीपल और डाइवर्स पर्सनैलिटी के हवाले से निशानदेही करते हैं। इनका बहुत बड़ा एजाज और एक बहुत बड़ा एहसान इस पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी है कि पाकिस्तान को एटमी रियासत बनाने के हवाले से जो बुनियादी करदार अदा किया, वो शख्सियत आज हमारे पास मौजूद है। इंतहाई इख्तिसार के साथ अगर मैं बात करना चाहूँ तो मुझे फिर भी ये लगता है कि एक प्रोग्राम जो है तारुफ के हवाले से गुजर जाएगा, लेकिन चूंकि हमने मेहमान की तरफ आना है, नामवर एटॉमिक साइंसदान, इंजीनियर, मुअज्जद और मुहक्किक, साबिक डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, सितारा इम्तियाज, और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मत सहल इसे जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दों से इंसान निकलते हैं, जनाब इंतहाई मोहतरम सुल्तान बशीर महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं और इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए सर। मेरे लिए भी ये बड़ा इज्जत का बायस है कि आपने सोनी धरती के प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाया, और आपके नाजरीन खसूस जो रूरल एरिया में हैं उनसे
वो मेरी बात सुनेंगे। मैं खुद एक गांव का रहने वाला हूँ और आपका ज़्यादा व्यूअर्स वहाँ से हैं। बिल्कुल। तो एनी वे मैं अपना पुराना यहाँ से सफ़र किया था वहाँ पहुँच रहा हूँ। जी सर, सर आपसे मैं वैसे एक पर्सनल सा क्वेश्चन कि ये जिंदगी जहाँ पे लहू खुर्शीद का टपकेगा, जर्रे का दिल चिरे, आप कहीं एटम की गहराइयों में गोताजन होते हैं, कहीं आसमान और मेटाफिजिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, कहीं इंसान के सल के अंदर की कैफियत को बयान कर रहे हैं। सर ये खास तौर पे अल्लाह पाक का एहसान है आप पे और अल्लाह पाक का करम है, ऐसे लोग दुनिया में इतने मल्टी डायमेंशनल लोग नहीं मिलते सर, आप हमारे लिए बड़ा एहसास है सर। जिंदगी में ये इनकलाब कैसे सर, ये हमारे ये बात आपने सही कही, मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, तौफीक अल्लाह ही की तरफ से है। सही। और कुरान करीम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा रहनुमा असूल दिया, मन तलबा वाजदा, जिसने तलब किया उसने पा लिया। पाने के लिए तलब का होना जरूरी, तलब का जरूरी है। तो मेरी तलब बड़ी स्ट्रांग रही है कि मैं हकीकत को जानूं और उसके लिए कोशिश करता रहा, फिर दुआ करता रहा। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आपको याद है जो अक्सर किया करते थे, रब अरनी हकायकुल अशिया कमा हुआ, ए रब्बुल आलमीन मुझे चीज़ों की हकीकत से आगाह कर जैसे कि वो हैं, रब जिदनी इल्मा। तो अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में बंदे को कहता है कि दुआ करो कि मेरा इल्म में ज्यादती हो। तो मैं इन्हीं बातों से इंस्पायर हुआ, अल्लाह से दुआ करता था और जिस चीज़ को भी देखा उसमें अपने रब को देखा और रब को देखने के लिए आगे बढ़ता गया। और इसीलिए बहुत सारे टॉपिक जैसे आपने कहा है, वो नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, एक टॉपिक के ऊपर ही लगे रहते हैं, लेकिन मुझे अल्लाह तबारक तआला ने ये बड़ा मौका दिया। और अब आखिर में मैं 70 साल का हो चुका हूँ और आखिर में मैंने ये जो इस्लाम का हमागीर निज़ाम सेहत और तरीका इलाज ये किताब लिखी है। ये मेरा फील्ड नहीं था, मैं तो न्यूक्लियर इंजीनियर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, सारी उम्र दूसरे काम करता रहा, लेकिन एक इंसान तो ज़रूर था और इंसान बीमार भी होता है, सेहतमंद भी होता है। तो सेहत और बीमारी मेरा भी ऐसे मसला था जैसे एक डॉक्टर का मसला होता है, हर एक का मसला है। तो इस पे मैंने ना मैंने कहा कि क्या कोई ऐसा माशरा हुआ है कि जो कभी बीमार ना हुआ हो। सही। तो उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन यहाँ से जारी रखेंगे। वक्त हुआ है ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है, स्टे विद अस। हबीब लाया मजेदार रमजान ऑफर, रमजान के बाबरकत महीने में 70 रुपए तक की भरपूर बचत, क्योंकि ये दिल का मामला है। आपने भी सुना होगा कि हेल्थ इज वेल्थ, अपनी फैमिली की हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए आपका फैसला होना चाहिए सिर्फ हबीब कुकिंग ऑयल, वीपा 5 की ताकत और 0 कोलेस्ट्रॉल का वादा, क्योंकि ये दिल का मामला है। हबीब लाया मजेदार रमजान ऑफर, रमजान के बाबरकत महीने में 70 रुपए तक की भरपूर बचत, क्योंकि ये दिल का मामला है। माजन भी ऐसे ही बनाती थी पराठे, हबीब बनास्पति में। हबीब VTF बनास्पति, खानों में वो लज्जत लाए कि हर लम्हा कीमती हो जाए। हबीब VTF बनास्पति, स्वाद जो हमेशा रहे याद। दिस सहरो इफ्तार टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय भांडे बनास्पति। हांडी खुली तो घर महक उठा। आला तरीन अच्छा से बना, असल जायके से रचा, पेश है हबीब के घराने से हबीब अचार गोश्त मसाला, ये है असल अचार गोश्त। नाज़रीन,
हम यहाँ पे मौजूद हैं सुल्तान बशीर महमूद साहब के साथ, जो कि हमारे मोहसिन हैं, मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं और बहुत सारे लोगों के रूहानी उस्ताद। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जारी रखते हैं जी। तो आप इस्लामी मुआशरे की बात कर रहे थे कि आप ये स्टडी करना चाह रहे थे कि कोई ऐसा मुआशरा भी मौजूद है जो कभी बीमार ना हुआ। तो पता चला है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा मुआशरा कायम कर दिया था, यहाँ बीमारी भी यहाँ ख़त्म हो गई थी। और उसमें बड़ी मशहूर ये बात है, तारीखी बात है, आपको भी पता होगा कि इजिप्ट का जो उस वक्त का बादशाह था, उसने खैर सगाली के जज्बे से अपना एक बड़ा लायक हकीम जो था मदीना मुनव्वरा में हुजूर की खिदमत में भेज दिया। वो लायक हकीम जो था ना, एक साल के बाद आपके पास आया और कहा जी कि मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, मैं जाऊँ, चूँकि मेरा काम तो बीमारों का इलाज करना है और यहाँ पे एक साल हो गया कोई बीमार मेरे पास आया ही नहीं है। ठीक। तो कहने लगा जी इसका कोई राज बताएंगे। आपने कहा कि हम वो लोग हैं जो खाना उस वक्त खाते हैं जब बहुत भूख लगी होती है, और खाने से उस वक्त हाथ खींच लेते हैं कि अभी अगर भूख बाकी होती है। तो अगर जो कौमें एक छोटा सा असूल कायम करती हैं वो बीमार नहीं होती हैं। और इसके अलावा ये है कि अल्लाह के ऊपर, अल्लाह ताला के ऊपर ट्रस्ट ज़हनी परेशानियों से इंसान को बचाता है। बहुत सारी हमारी बीमारियाँ और मदीने के उस माशरे में अल्लाह तबारक ताला के ऊपर जो ईमान था वो तो आइडियल था ना। बिल्कुल। तो ना ज़हनी तौर पे भी असुदा थे, जिस्मानी तौर पे भी असुदा थे। बिल्कुल ठीक। और बीमारियां नहीं आई। सही सर, जैसे कि इस्लाम बुनियादी बेसिक कोड ऑफ लाइफ है, हमागीर निज़ाम है, सेहत के हवाले से, रूह के हवाले से, निज़ाम ज़िंदगी के हवाले से, रियासत के असूलों के हवाले से, और आपने इस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं आप इस पर। सर ये बुनियादी तौर पर सेहत के लिए कौन से अवामिल बुनियाद है दीन इस्लाम जो हमें बताता है? आपने ये डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात की कि इस्लाम एक हमागीर निज़ाम है, ये एक कुल है और उस कुल में हार छाई है। बाद लोग उसमें से एक पार्ट जो है ना उसको ले लेते हैं और उस पार्ट को इस्लाम कह के तो फिर टेस्टिंग शुरू कर देते हैं। जी जी। पार्ट पार्ट होता है, कुल कुल होता है। कुल कुल होता है, बिल्कुल। अल्लाह भी कहते हैं कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। बिल्कुल ठीक। तो इस पूरे के पूरे दाखिल होने में जो इस्लाम का निज़ाम सेहत है वो एक पूरा हमागीर सिस्टम है। बिल्कुल ठीक। उसमें इलाज भी है बीमारियों के, वो गज़ा से भी इलाज है, दुआ से भी इलाज है, जड़ी बूटियों से भी इलाज है, और बेसिक प्रिंसिपल जो लाइफ के हैं उनसे इलाज है, और इसके अलावा जो रूहानियत है, रूह का इलाज है। और रूह का इलाज के लिए इस्लाम स्टार्ट अपना जो इंसानी सेहत का जो निज़ाम शुरू करता है वो हराम और हलाल के कॉन्सेप्ट से करता है। इंटरेस्टिंग। कि जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है। हर हराम जो है उसमें बीमारी है। ठीक है। और हर हलाल जो है ना उसमें सेहत है। सही। और इसको अगर सेकुलर ज़हन से सोचा जाए तो ये पता चलता है कि जब कोई आदमी हराम का खाता है तो हराम का खाने का ये मतलब है कि उसने जुल्म की कमाई की है, करप्शन का पैसा लाया है, अपने घर में खा रहा है, खिला रहा है। तो पैसा तो वो ले आया लेकिन उसको उसको परेशानी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि एक तो ज़मीर, और अगर ज़मीर मर्द भी चुकी है तो पुलिस, बिल्कुल ठीक, कोई ना कोई पीछे लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक। और जब ज़हनी तौर पे परेशान है तो आपको सेहत कहाँ से मिलेगी, बेशुमार बीमारियाँ होंगी। सही है। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी सीरत नबी की बात करें, सीरत तैयबा की रोशनी में अगर हम बात करें तो खाने पीने के आदाब क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान उसमें बेटी उसने उन्होंने कमाल की बातें बता दी और वो सेहत से भरपूर बातें। सेहत के मसलन सबसे ज्यादा जो बेसिक बात बताई ना, वो बताया कि जिस चीज की जरूरत है इंसान को जिंदा रहने के लिए और सेहतमंद जिंदा रहने के लिए, अल्लाह ने वो नेमत वाफर मिकदार में पैदा की है। यानी मसलन पानी, सबसे ज्यादा जिंदा जिंदगी के लिए पानी की जरूरत है, और पानी को अल्लाह तबारक तआला ने बहुत पैदा कर दिया, और हवा का भी यही, और यही हवा है। ठीक है। अब वहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेमत का शुक्रिया अदा करो
और नेमत का शुक्रिया इस तरह अदा करो कि खूब पानी पियो, सही, अल्लाह की नेमत का खूब हवा खाओ। अब हमारे मुल्क में फॉर एग्जाम्पल यहाँ लोग पानी पीने में भी बड़े कंजूस हैं, हालांकि मुफ्त अवेलेबल है। जी बिल्कुल, गाँव में तो मुफ्त अवेलेबल है, शहरों में आजकल अनफॉर्चुनेटली वो फॉरेन कंपनियों ने ऐसा एक जाल बुन दिया है कि पानी खरीदना पड़ता है। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ये बताया कि खाना खाने से आधा पौना घंटा पहले इतना पानी पियो कि पेट भर जाए, दो गिलास, तीन गिलास, चार गिलास, उसके बाद खाना खाओ। खाना खाने के आधा पौना घंटा बाद जब प्यास लगे तो उस वक्त खाना खाना है। अब अगर ये करके देखें, आप भी करके देखें, ये नाज़रीन से भी मैं कहूँगा कि ये करके देखें, एक तो स्वाब होगा, ठीक है, लेकिन दूसरा ये होता है कि जब पेट आपने पानी से भर लिया तो जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो आपकी कम हो गई। बिल्कुल ठीक, और बशियारखोरी से बच गए। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा आपने फरमाया कि दरमियान में खाना खाते वक्त पानी नहीं लेना, सही, ये वो वक्त होता है कि खाना हजम करने के लिए, ठीक है, खाना खाने के बाद, सॉरी, कि खाना खाने के बाद पानी ना पिया जाए, दरमियान में, दरमियान में तो पी रहे, खाने के दौरान पानी नहीं पीना। अच्छा, खाने के दौरान पानी नहीं पीना, ठीक है, क्योंकि खाने के दौरान खाना हजम करने के लिए एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तेजाब है, ठीक है, वो बॉडी रिलीज कर दिया है, सही, बिल्कुल ठीक, वो जो खाना खा रहे हैं वो उसको वो नरम करता है, हजम करता है, अज्जा में तोड़ता है, ठीक है, उसकी एक खास खसूसी मिकदार होनी चाहिए। अगर आपने पानी पी लिया तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना वो डिफ्यूज हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक, नरम पड़ गया, ठीक, अब जब नरम पड़ गया तो उसके हाजमे की जो ताकत है वो कम हो गई तो गैसेस पैदा होने लगी, सही, और लोग कहते हैं कि मुझे गैस का प्रॉब्लम रहता है, खट्टे डकार आते हैं, रात सो नहीं सकता। वजह यह है कि तुम्हें तो भाई पानी पीना ही नहीं आता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, पानी सही तरह पी लो। इसलिए सर आखिर में भी पानी पीने के हवाले से कहा गया कि ये वबा है और शुरू में पानी पीना शफा है, ऐसा खाने से पहले आधा पौना घंटा पहले पिए शफा है, ठीक, ताकि जिस्म में पानी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और खाना खाते वक्त आपको पानी की जरूरत ना पड़े। अच्छा सर, अगर हम आजकल के अपने हालात देखें, हम इतना पैसा जाया कर रहे होते हैं, इतनी महंगी महंगी कटलरी खरीद रहे होते हैं, छुरियां, कांटे, चम्मच, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें सीरत तैयबा की रोशनी में तो हमें हाथ से खाने की तरगीब दी गई है, इसमें क्या मसलहत है? इसमें बड़ी मसलहत है कि आपने कांटे छुरियां तो खरीद लिए, सफाई आपके नौकरों ने उनकी करनी है, यू कैन बी नेवर श्योर कि वो साफ हुए हैं या नहीं हुए हैं, सही, और कांटे के दरमियान तो खास तौर से फूड के पार्टिकल रह जाते हैं, बिल्कुल ठीक, सही, बीमारी जो है ना उनके अंदर होती है। लेकिन हाथ के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वो नहायत काबिले गौर बात है। आपने कहा खाने से पहले हाथ धो, लेकिन उस वक्त तौलिए से साफ नहीं करने। बिल्कुल ठीक, हाथ उस टाइम हमने धोए हैं वो तो साफ हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है तौलिए से जरा सी मिला जाए। सर, कोई मरीज के साथ खाना खाने के हवाले से क्या अहमियत है? मरीज के साथ खाना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, ठीक, सही, ये बड़ा मेडिकल एक, और दूसरा ये है कि अगर खाना पड़ी जाता है कि पांच आदमी बैठे हुए हैं, पता नहीं इनमें से मरीज कौन है, हर एक को कहा गया कि अगर इकट्ठे खा रहे हैं तो अपनी प्लेट के अपने आगे से खाना खाना, इधर उधर हाथ नहीं फेरना। बिल्कुल सही, यानी एक तो वैसे बदतमीजी है, दूसरा ये है कि आप अपना एक पोर्शन खा रहे हैं, मिक्सिंग नहीं हो रही है। लेकिन मरीज के बारे में तो खाने की तो और बात है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदायत की है कि अगर किसी इलाके में कंटेजियस बीमारी फैल जाती है, ज्यादा फैल जाता है, उसके फैल जाता है, हो सकता है, तो उस सूरत में आपने कहा कि जो उस इलाके के अंदर रहते हैं उन्होंने उस इलाके से बाहर नहीं निकलना, और जो बाहर वाले हैं उन्होंने उस इलाके में नहीं जाना। बिल्कुल, यानी एक क्वारंटाइन वाली बात आ गई। सही। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, बहुत खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी है। उस्ताद मोहतरम के साथ इंतहाई लतीफ़ शख्सियत
यकीनन आपको भी गुफ्तगू का मजा आ रहा होगा। सो जाते हैं ब्रेक की तरफ, स्टे विद अस। आला तरीन अच्छा से बना, असल जायके से रचा, पेश है हबीब के घराने से, हबीब बम्बई बिरयानी मसाला, ये है असल बम्बई बिरयानी। हबीब लाया मजेदार रमजान ऑफर, रमजान के बाबरकत महीने में 70 रुपए तक की भरपूर बचत, क्योंकि ये दिल का मामला है। अरे हांडी में पकेगी तो खुशबू फैलेगी, के सब कहें, के सब कहें, सब कहें हर दिन है पार्टी हमारे इस घर में, के सब कहें हर दिन है पार्टी हमारे इस घर में। हांडी खुली तो घर महक उठा। हबीब लाया मजेदार रमजान ऑफर, रमजान के बाबरकत महीने में 70 रुपए तक की भरपूर बचत, क्योंकि ये दिल का मामला है। आला तरीन अज्जा का बेहतरीन मजा, पेश है हबीब चाट मसाला, हर डिश की लज्जत बढ़ाए, चटपटा चटखारेदार बनाए, हबीब चाट मसाला, हबीब के घराने से। This Sehro Iftar Timing is brought to you by Bhandi Banaspati. Handi khuli to ghar mehak utha. नाज़रीन, सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत और मुफीद गुफ्तगू चल रही है तिब्बे नबी के हवाले से। सर, हम सवालात का सिलसिला मजीद दोबारा से शुरू करते हैं। थोड़ा सा आप हमें ये बताइए कि बीमारियों के इलाज के मुतालिक सुन्नत नबी क्या कहती है। मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज हमें बताया गया और मुख्तलिफ ऐसी गजाएं हैं जिनकी खाने की हमें तरगीब दी गई है, उसमें क्या मसलहत है? एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर अल्लाह ने बीमारी पैदा की है तो उसका इलाज पहले पैदा किया, उसका इलाज पहले पैदा किया, बिल्कुल ठीक है। तो इलाज ज़रूर कराना चाहिए, इलाज कराना मुसलमान के लिए इबादत है। दूसरा ये बताया गया कि जो बीमारी है वो भी मुसलमान के लिए इबादत है। बीमारी कैसे इबादत है? कि अगर चूँकि अगर वो सब्र करता है जी, और उसको अल्लाह की तरफ से एक अमर समझता है जी, और बीमारी के दरमियान शिकायत का लहजा नहीं रखता, सब्र करता है, तो हजूर ने ये फरमाया कि अगर बीमारी तो बीमारी है, अगर मोमन के पाँव में एक कांटा चुभ जाए तो उसका भी उसको अजर मिलता है। बिल्कुल ठीक, सब्र वालों की शान निराली है और उसके ऊपर अगर शुक्र किया जाए तो वो तो दर्जात तो बहुत दर्जात बहुत है जी। ठीक, अच्छा सर, ये गजा के हवाले से बात हो रही है कि सेहतमंद खुराक नबी कसलम की जो मरहूब गजाएं थी उनमें से कुछ गजाओं का तज़करा कर उनकी हफाजत के हवाले, जैसे खजूर। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मरगूब तो उन्हें रोजा रखना था, सुभान अल्लाह, और अक्सर रोजे से रहते थे, सुभान अल्लाह। लेकिन खाने में आपका ये तरीका था कि जो खाना भी सामने आ गया है उसको रिजेक्ट नहीं करना, लेकिन फिर भी कोई चीज़ें ऐसी थी जिन्हें खाने से उन्हें बड़ी रगबत थी, खुशी थी। ठीक है, बस सब्जियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू को बड़ा पसंद करते थे, बिल्कुल ठीक, और आपने फरमाया कि कद्दू जो है वो इंसान के दिल के लिए दिल को सुकून पहुंचाता है, दिल को सुकून, दिल को सुकून पहुँचाता है। और अभी जो लोग वेजिटेरियन हॉस्पिटल चलाते हैं वो यही कहते हैं कि दिल को सुकून पहुंचाने वाला सबसे ज्यादा कद्दू है। अच्छा, इंटरेस्टिंग, मतलब मेडिकल साइंस को प्रूव कर रही है, मेडिसिन साइंस को प्रूव करती है कि ये इंसान की ज़हनी परेशानियों को दूर करता है और असाबी निज़ाम को बेहतर करता है। सर, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए?
कद्दू को आप रायते से इस्तेमाल करें, कद्दू का आप हलवा बनाएं, कद्दू का सालन बनाएं, कद्दू में थोड़ा सा गोश्त डाल लें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी वो तेल जिस तरह से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसमें भुना जाए तला जाए तो उसके असरात आएंगे, जाया हो जाएंगे या अपना असर फिर भी दिखाएगा? नहीं, कद्दू पकाने से उसके असरात जाया नहीं जाते हैं। ठीक है, और खाएं। फिर आपने खजूर की बात की, खजूर बिल्कुल, खजूर वैसे भी अरब में ज्यादा होती है, बिल्कुल गर्म इलाका है क्योंकि वो, और खजूरों में वहाँ दर्जनों टाइप की खजूरें हैं, खजूरों पे उनकी मशीयत सारी थी। लेकिन खजूरों में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजवा खजूर बड़ी पसंद थी। अच्छा, उसकी क्या खास वजह? और उसकी वजह अब मालूम हुई है कि अजवा खजूर जो है ना, ये हार्ट पेशेंट के लिए इट्स ए वंडरफुल, हार्ट पेशेंट के लिए, मतलब अगर हम हार्ट पेशेंट उसे इस्तेमाल करें तो इसकी ये रेमेडी है अजवा खजूर। इसको तो बहुत सारे लोगों ने आजमाया है, और अजवा खजूर, 7 अजवा खजूर खाएं और उसका जो गिटक निकलती है सही, और उसको भी पीस लें, बिल्कुल ठीक, और उसको खाएं और हार्ट की बीमारी जो ना जड़ से निकल जाती है। तो बहुत से हमारे नाजरीन देख रहे होंगे जो हार्ट पेशेंट्स होंगे, उनको बता दें कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या होगा, कि आपने बता तो लिया उसको पीस दें, लाइक कितनी दफा दिन में खाएं या उसका क्या तरीका कार होगा? तिब्बे नबवी में जो दवाएं हैं ना, उनका एक जनरल रूल ये है कि उनको जिसको कहते हैं नहारमू जी, खाली पेट खाएं, चूंकि उस वक्त मैदा जो है ना बड़ा रिसेप्टिव होता है, एक्टिव होता है, और थोड़ी चीज भी असर ज्यादा करती है। बिल्कुल ठीक। तो सुबह सवेरे खानी चाहिए, नाश्ते से पहले, नाश्ता भी हो गया, और इसका हार्ट मजबूत होता है। हार्ट पेशेंट ही नहीं है, अगर आप लेंगी तो आपका दिल भी मजबूत हो जाएगा खजूर से। बिल्कुल ठीक। क्योंकि खजूर में एक तो कार्बोहाइड्रेट तो है ही है, लॉट ऑफ शुगर है, ग्लूकोज है, इसके अलावा खजूर में तमाम किस्म के मिनरल्स जी, पोटाशियम है, लाइक पोटाशियम है जी, जो कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है सही। और कई किस्म की मल्टीविटामिन इसमें है जी। तो अल्लाह तबारक तआला ने खजूर को उन लोगों के लिए खसूसी पैदा किया कि आप सहराओं में ज़्यादा दूसरे किस्म के फ्रूट बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल। तो सारे फ्रूटों का जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो खजूर में डाल, सारे अज़ा मिला के एक फ्रूट में अल्लाह ताला एक बना दिया कि ये तुम्हें ताकि तुम शिकायत ना करना कि हमारे पास सेब नहीं होता, फला नहीं होता। बिल्कुल ठीक, तेरी खजूर में सब कुछ है। सर, शहद के ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दिया है, इसका भी काफी जिक्र होता है। शहद तो डॉक्टर साहब अल्लाह तबारक तआला ने इसको कुरान करीम में इसका नाम लिया है। बिल्कुल। और जिस चीज का रब कायनात नाम ले जी जी, बिल्कुल, उसकी इम्पोर्टेंस तो वैसे ही बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। आप जन्नत का जब जिक्र किया है तो अनार का नाम लिया है, अंगूर का नाम लिया है, जैतून का नाम लिया है, खजूर का नाम लिया है, शहद का नाम लिया है, कलौंजी का नाम भी आया है। नहीं, जन्नत के खानों में नहीं। अच्छा ठीक, जन्नत के खानों में नहीं। और वहाँ पे मैं आजकल एक रिसर्च कर रहा हूँ कि एक दोस्त जमील अख्तर उनके साथ मिलके कि हमने कुरान करीम में जितनी भी आयात है ना खुराक के ऊपर वो सेपरेट कर दी हैं। अच्छा। और उसमें जो जन्नत में जो खाने जिनका जिक्र है उनको सेपरेट कर दिया है सही। और आप एक मीनू बना रहे हैं, जन्नती मीनू। अच्छा, कि आप जन्नती मीनू खाओ, चूंकि जन्नत में ना किसी ने बीमार होना है ना परेशान होना है, तो वो जन्नती मीनू जो है वो दुनिया पे आपको देगा। तो शहद का आप जिक्र कर रहे थे, शहद इज वंडरफुल फॉर एवरी डिजीज। कैंसर में लोगों ने देखा है, कैंसर भी हट गया। ठीक सर। खवातीन हजरात, यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया नहीं जाएगा। हमारी महफिल में इस वक्त एक चिराग मौजूद है जिनकी शमा की लो जो है वो पूरे जहां को यकीनन समेटे हुए, पूरी उम्मत मुस्लिमा का समेटे हुए। अगर उस हवाले से हम सोचें, हमें जाना है यहां ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। स्टे विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक से हम आज
चुके हैं वापस और सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत मुफीद गुफ्तगू चल रही है और वो बहुत खूबसूरत तरीके से हमें बता रहे हैं कि मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज तिब्बे नबी की रूह से किस तरीके से मुमकिन है। सर, अगर हम थोड़ी सी बात करें इस्लाम के निज़ाम के मुताबिक, तो इस्लाम हम जो हमारी जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, रोज़ा है, नमाज है, तहज्जुद है, वुज़ू है, ये तमाम चीज़ें किस तरीके से इफेक्टिव हैं हमारी डेली लाइफ के लिए? जो इस्लाम का हमारी निज़ाम सेहत है ना, बिल्कुल उसका ये हिस्सा है। सही। और इट ऑल स्टार्ट्स विद निज़ाम तहारत। निज़ाम तहारत, सफाई ही यानी हर चीज की आपकी जिस्म की सफाई और आपके दिल की सफाई, तहारत दोनों हैं कि आपका जेहन भी साफ हो और आपका जिस्म भी साफ हो। 50% बीमारियां तो निकल गई यहाँ पे। ठीक। वैसे भी अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहारत जो है वो निसफ ईमान है। बिल्कुल। तो 50% बीमारियों से आपको निजात यहाँ से मिल गई। सही। उसके बाद निज़ाम सलात जो है वो इंसान को कि रूह को बड़ी तरक्की देता है। बिल्कुल। और जिस्म की बीमारियां को दूर करता है। सही। जब आप कंसंट्रेशन से सलात पढ़ते हैं तो जेन में जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। सही। अल्लाह फरमाते हैं वला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून, ना उनके ऊपर कोई खौफ रह जाता है ना गम रह जाता है, क्योंकि वो अल्लाह वाले हो गए और अल्लाह उनका हो गया। सही। तो एक साहब रावलपिंडी में हैं, आफ्ताब साहब, वो एक दफ़ा मेरे पास आए, वो कहने लगे मुझे हार्ट की बीमारी है। तो मैंने इलाज उसका ये किया कि जब सजदे में जाता हूँ तो बॉडी को लंबा करता हूँ और ज़मीन को प्रेस करता हूँ माथे से और पाँव से ज़मीन को धकेलता हूँ उंगलियों से। सही। और अब मेरी उम्र 85 साल हो गई है और 65 साल की उम्र में हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था और पिछले 20 साल से मैं बिल्कुल बगैर किसी दवाई के चल फिर रहा हूँ। तो ये तो कुदरती तरीका है इलाज हो गया कि अगर हम इस्लाम के असूलों पर अमल करें तो ये तो कुदरती तरीका इलाज है। अगर आप एक तो मैंने ये देखा है कि एक तो नमाज में कंसंट्रेशन बड़ी बढ़ जाती है। बिल्कुल। दूसरा जब आप जमीन को दबाते हैं माथे से तो इन वे आप ऐसा लगता है जैसे अल्लाह के पाँव में अपना सर रख के दबा रहे हैं। वो जो एहसास होता है खूबसूरत बात। जिस तरह रोज वजू के हवाले से हम बताया उससे ENT की प्रॉब्लम्स बहुत सारी हल होती हैं। और ये जो नमाज में सजदा के हवाले से आप फरमा रहे हैं तो आपकी बुक में से ही मैंने देखा था कि उसमें साइनसिस पे बड़ा असर पड़ता है। साइनस तो हमने मस्जिदों में देखा है कि लोगों की छातियां खोल जाती हैं जी, जी जब और इसके अलावा रोज़ा। बिल्कुल। रोज़ा तो पूरा एक बॉडी का ओवरऑल है। ठीक है। एक महीना जब आप रोज़ा रखते हैं जिस तरह रोज़ा रखना चाहिए, लेकिन हम में से अक्सर को रोज़ा ना खोलना आता है ना रखना आता है। ये आप कैसे कह सकते हैं? हम में से सब लोग जो रोज़ा रखते हैं, हम सहरियां भी करते हैं, अफ्तारियां भी करते हैं। हम लोग उस वक्त अल्लाह का एक कानून सारा दिन अबे किया कि कुछ खाना पीना नहीं है, खाना पीना नहीं है। और अफ्तार के वक्त उस कानून अल्लाह के दूसरे कानून के इसराफ नहीं करना, उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह तबारक ताला ने कहा है कि अल्लाह ला युहब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह इसराफ करने वालों से मोहब्बत करता ही नहीं है। सही। और रोज़ा तो ना गया है इसराफ में, और इसराफ की वजह से यह है कि इतना बुशियारखोरी होती है कि जो रमज़ान का जो फ़ायदा मिलना था वो नहीं मिल रहा था। अब उसको रेगुलर करना, या नाज़रीन को मैं ये बताऊँगा कि एक तो यह है कि अफ्तार के वक्त सख्त चीज़ें नहीं खानी। ठीक है। सख्त चीज़ें मसलन यह है कि पकौड़े और मिठाइयाँ और तली हुई चीज़ें जो कि बड़ी आम रिवाज बन गया है। किन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल? अच्छा, इसका थोड़ा सा नुकसान भी बता दें, क्योंकि मेरे ख्याल पकौड़े समोसे ये तमाम चीज़ें इनका नुकसान यह है कि एक तो यह है कि आपका लॉट ऑफ एसिड इज रिक्वायर्ड इनको हजम करने के लिए। बिल्कुल ठीक। और दूसरा ये हजम नहीं होती हैं और अगली सेरी का वक्त आ जाता है। सही। और फिर खाना पड़ता है। सही। चाहिए ये कि अफ्तार जो है उन चीज़ों से की जाए जो जूद हजम है। ठीक है। लाइक सर कौन कौन सी चीज़ें? जो मसलन आप फ्रूट लें, जूस लें, चावल लें और चटनी लें और
जूसेस ले सकते हैं, जूसेस लें हार्ट टाइप के लें, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद ये लेने के बाद अब मगरब की नमाज पढ़ें आराम से, ठीक है। और मगरब की नमाज के बाद जो मामूल का खाना है वो खाया जाए, सही। और ज्यादा ना लिया जाए, ठीक है, क्योंकि आगे आपके पास 5-6 घंटे हैं, सही। 5-6 घंटे बाद दोबारा आपने खाना है, ठीक है, सही। शहरी में आप सख्त चीजें खा सकते हैं जिनमें जिनका हजम होने का वक्त ज्यादा चाहिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिर आपको भूख नहीं लगेगी। शहरी पूरा दिन होगा वैसे भी हमारे पास, पूरा दिन है, तो इससे यह है कि आप रोजे के बेनिफिट लेंगे। और वरना यह है कि रोजे से कैंसर भी ठीक हो सकता है, हार्ट की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, आपके लिवर फंक्शन बेहतर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। आपका डिप्रेशन का ये इलाज है, यानी रोजा हर चीज का इलाज है, बशर्ते कि इसको रोजा की तरह रखा जाए। सर, यानी कि हम रमजान मुबारक में सिर्फ जो सुबह के वो औकात के जिसमें हमें खाने पीने से मना किया गया है, सिर्फ वही रोजे में नहीं आते, बल्कि वो रात के औकात भी, उनमें भी एक स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी ताकि हम रमजान का पूरा फायदा उठा साहब, वरना तो आप बीमार हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक। यानी रोजा उल्टा आपके पड़ गया, ठीक है, और गुनाह भी ले लिया कि अल्लाह ने कहा था कि सब्र से खाना है, बशारखोरी नहीं करनी है और इसराफ नहीं करना, सही। और रोजों में चीजें सारी महंगी हो जाती हैं, वजह यह है कि लोग जो है ना वो खुराक को ज्यादा कर देते हैं और ज्यादा करते हैं, सही। सर, कुरान पाक सारा मंबाए हदायत है और रहमत है, शफात है, वो हमारा इलाज है, रूह का इलाज। कौन कौन सी कुरान पाक की सूरतें जो है ज्यादा अहमियत की हामिल इस हवाले से, जो बीमारी के हवाले से इलाज किया जाता है, जिनको अगर हम बीमारी की हालत बीमारी के साथ रिलेट किया जाए तो बीमार के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। उसमें डॉक्टर साहब जो अभी आपने फरमाया बड़ा अच्छी बात की, ये टॉपिक रह ना जाता। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज का दिल होता है, कुरान करीम का दिल सूरत यासीन है। मैंने हिसाब लगाया 25-30 लोगों को इकट्ठा किया कि उनका दिल जो है ना किस हाइट के ऊपर है, तो हमारा दिल और हमारी टोटल हाइट जो है ना 74% है। उसके बाद मैंने सूरत यासीन को प्लेस किया कि टोटल के लिहाज से ये 74% है। तो दिल की बीमारियों में सूरत यासीन को अक्सर पढ़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक सर। अच्छा, सूरत अर-रहमान यहाँ पे हमें जाना है एक ब्रेक की जानेब। बातों का सिलसिला हम यहाँ पे जारी रखेंगे ब्रेक से आने के बाद। अभी इस्लामाबाद और गिरदनवा में जो है अजान मगरब का और अफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है, एक ऐसा लम्हा कि जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने कहा, मन कान अल्लाह ही कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। दुआओं के इन लम्हात में हमें भी, मुल्क पाकिस्तान को भी और सब उम्मत मुस्लिमों को याद रखिएगा। मिलते हैं अफ्तार ब्रेक के बाद। يا أيها النائمين هم واحد السائم الله والمسلم الصائم في ليله قائم سائم الله والمسلم الصائم في ليله قائم. Welcome back ناظرين, امید ہے آپ کا افطار سیشن اچھا گزرا ہوگا۔ हम यहाँ पे मौजूद थे अपने इंतहाई मोहतरम सुल्तान बशीर महमूद साहब के साथ और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए थे। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी कुरान हकीम के हवाले से, कुरान हकीम की वो कौन सी सूरा हैं जिनको हम ज़्यादा जो है उनका इस्तेमाल ला सकते हैं अपनी खासतर खास बीमारियों के हवाले से, उनको रिलेट करके। मैं चलता हूँ इंतहाई काबिल मोहतरम उस्ताद मोहतरम की तरफ। जी सर, हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी था सूरह यासीन के हवाले से, आप डिस्कस कर रहे थे। जी, सूरह यासीन के बारे में मैंने ये अर्ज़ किया कि ये कुरान करीम का दिल है और उसी हवाला से ये दिल की बीमारियां जिनको होती हैं अगर उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। और सूरत अर-रहमान जो है वो तो एक तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से इंसानियत को, ठीक है। और सूरत अर-रहमान को अगर मरीज सुने जी और
खुद पढ़े वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छी अच्छे कार्य की किरत को सुनता रहे ठीक है तो उसकी कई बीमारियों में शफा है। इसका सुना है बड़े हैरान कुन असरात हैं, मरीज 7 दिनों के अंदर अंदर जो है उसकी तबीयत बहाल हो जाती है, बल्कि बड़ा बेहतर हो जाता है। ये सारी बातें जो है 7 दिन या 10 दिन या 1 दिन ये मरीज का जो अपना इत्काद है, बिल्कुल ईमान का दर्जा है, वेरी इम्पोर्टेंट, उसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक है। अगर वो उसका इत्काद मजबूत है तो ये रूहानी इलाज बड़ी जल्दी असर करते हैं, लेकिन अगर एक आदमी मानता ही नहीं एक सिस्टम को तो उसके ऊपर असरात कम पड़ते हैं। सूरत फातिहा जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम अक्सर बीमारियों के ऊपर लोगों को दम करते थे, और बहुत इसकी असरात जो है ना इतने ज़्यादा हैं कि इस सूरत फातिहा को सूरत शफा भी कहा जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें पढ़ने का एक अंदाज है, वो मैं कारियन के साथ शेयर करूँगा जरूर सर, कि जब आप कहते हैं ना कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, उससे पहले आता है इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन, इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन। आदमी डायरेक्ट अल्लाह तबारक ताला से मुखातिब हो जाता है, बिल्कुल, कि अल्लाह ताला हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, और जिस चीज की मदद आपको तलब है वो ज़हन में ले आए। अब आपके पास एक मरीज है जिसकी सेहत के लिए अमान है, इस वक्त नस्ता जो इस्तानत है वो इस मरीज की सेहत के लिए चाहिए। सही। ये एक दफा नहीं पढ़े, इसको बार बार पढ़े, 3 दफा पढ़े, 5 दफा पढ़े, यहाँ पे आगे पढ़ते जाएं मरीज की तरफ। जी बिल्कुल। उसके बाद एहदिना सिरात वल मुस्तकीम, एहदिना सिरात वल मुस्तकीम, अब तलब जो है यहाँ सिरात मुस्तकीम उसकी सेहत है। बिल्कुल ठीक है। जो मसला आपको पेश है वही उसमें सिरात मुस्तकीम आप मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सर दूसरी बात यह कि ये तेरी ही इबादत करते हो, तुझ ही से, ये ही में भी बड़ी एक गहराई है कि जाएं तो जाएं कहाँ। जी बिल्कुल। हमारा और तो कोई है ही नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, जो हमारी रोजमर्रा की बीमारियां हैं उनके इलाज के हवाले से तिब्बे नबी में से अगर आप कुछ बताएं, जो रोजमर्रा की हमारी बीमारियां होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बुखार है या सर दर्द है, डिप्रेशन का है जिस तरह आपने बता दिया, ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा अगर बताएं, उनके लिए तिब्बे नबी में से हम कौन से ऐसे नुस्खे हैं जो डेली बेसिस हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि थोड़े से जो मरीज अफराद हैं वो भी सेहतमंद होकर रोजे रख सकें और रमजान की नियमतों को गुजार सकें। उसमें एक तो ये है कि जो दलिया है ना, दलिया और आबे जौ बनाएं। सर उसको बनाने का अगर आप तरीका हमारे नाज़रीन तरीका आबे जौ बनाने के लिए, आबे जौ के आबे हयात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप फर्ज करो 1 किलो जौ ले लेते हैं, सही, उसमें 5 किलो या 5 लीटर पानी डाल दें, ठीक है, और उसको आहिस्ता आहिस्ता आग के ऊपर 1 घंटा पकने दें, सही, या इससे भी ज्यादा टाइम दे दें, तो वो तो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, पानी तो उड़ता पानी जब आधा रह जाए, ठीक, 5 लीटर की बजाय जब 2.5 लीटर ले जाता है उस पानी को अलग कर लें, ठीक, वो आबे जौ बन गया। सही। अब उसको ठंडा करें, उसमें आप शहद मिक्स कर लें, सही, टेस्ट के हिसाब से, सही, लेमन निचोड़ लें उसमें टेस्ट के लिहाज से, सही, ये जो पानी है ये हर आदमी के लिए और खातून के लिए जिंदगी है इसमें। सुभान अल्लाह। सर मैदे के अमराज के लिए भी यही मुफीद है, मैदे के लिए भी है, हार्ट के लिए भी है, दिमाग के लिए भी है, जिसकी याददाश्त कमजोर है उसके लिए भी है ये, और इसकी इम्पोर्टेंस जो है ना मेडिकल इम्पोर्टेंस, ये मेडिकली आप वेस्ट में देखते हैं, ठीक है, कि वो बार्ले वाटर को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, बिल्कुल, और बार्ले को नाश्ते में बड़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, हालांकि वो प्रोसेस्ड है यहाँ हमारे यहाँ। इसके अलावा जौ को ले लें, शहद का जो नुस्खा है वो मैं बताता हूँ कारीन के लिए, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था शहद का शरबत। सही। अच्छा, तो शहद का शरबत बनाएं हम किस तरह? वो बनाएं इस तरह कि
फर्ज करो कि एक गिलास पानी का लेते हैं, उसमें एक बड़ा चम्मच शहद का डाल दें, पानी थोड़ा सा गर्म हो तो जल्दी से मिक्स हो जाएगा। सही, क्योंकि वो शहद जमा हुआ होता है थोड़ा सा, कौन कौन सी बीमारियों के लिए। उसमें थोड़ा सा लेमन डाल दें। सही, अब उसको पिए, इट्स ए वंडरफुल टॉनिक। क्योंकि जो ये जो कुव्वत मदाफत है वो बढ़ाता है इम्यून सिस्टम जो इंसान का है, ठीक है, और आप हर लिहाज से सेहतमंद, ताज़ा, ताकतवर जी, थकावट नहीं होगी। शायद वैसे भी एंटीसेप्टिक है, और एंटीसेप्टिक है, हर बीमारी के लिए फ़ायदेमंद है, बिल्कुल ठीक है। और हजूर अक्रम सल्ला वसलम जब असर के वक्त अपने घरों में जाया करते थे तो हमारी माएँ जो थी ना, अगर उन्होंने बड़ी खातर करनी होती थी ना उनकी, तो वो ये शरबत बना के रखते थे, शायद का शरबत, क्योंकि आपको बड़ा पसंद था। सही। और इस निस्बत ही से इसकी वैल्यू बड़ी बढ़ जाती है। अच्छा सर, अगर हम थोड़ा सा रोजे के तनाजुर में देखें तो सबसे ज्यादा जो डायरेक्टली चीज अफेक्ट हो रही है हमारा निज़ाम इन्हज़ाम है। अब हम निज़ाम इन्हज़ाम की बात करें तो उसके साथ बहुत सारी डिजीजेज एसोसिएटेड हैं हमारी आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, उनका अगर आप हमें थोड़ा सा इलाज बता दें तिब नबी की रूह से। ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ठीक। अगर हम अभी खाना उस वक्त खाएं जबकि अच्छी तरह भूख चमक उठे, ठीक, और खाना उस वक्त बंद कर दें जब अभी थोड़ी सी भूख बाकी हो, सही, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक। दूसरा, वो मरगूब गुजाएं जो खाएं, जिस तरह सब्जियां कहा गया हो, वो तो वैसे भी कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करती हैं। गोश्त को, गोश्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सालनों का सरदार है, लेकिन अपने पेट को जानवरों का कब्रिस्तान ना बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि आप गोश्त खाएं, हिंदुओं की तरह मना नहीं है, लेकिन नॉट टू मच, क्योंकि गोश्त बहुत सारे प्रॉब्लम काज करता है। आपको ग्रीन वेजिटेबल जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी पसंद थी, सैलड खाना। सही जी, बिल्कुल ठीक है। सर हराम चीज़ों से, जो शॉर्ट सा बताइए, हराम चीज़ों से इलाज क्या हैसियत रखता है? हराम चीज से इलाज भी हराम है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। एक ख़वातीन हज़रात, हमारे पास एक बहुत खूबसूरत शख्सियत और बड़ी हस्ती हमारे पास मौजूद थी, और हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया कि हम उनसे बहुत सारी और सी बातें सीखें। और इसी नोट पे कि आज का प्रोग्राम यकीन आपको अच्छा लगा होगा, कल नए प्रोग्राम के साथ आप खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मैं डॉक्टर हामिद और शहरीला के फाइनल नोट पे हम आपसे इजाज़त देते हैं। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब आज हमारे साथ मौजूद रहे, उनका मैं एक दफा फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाजरीन को आज बहुत सी मुफीद बातें पता चली होंगी, और तिब नबी की रूह से जो उन्होंने बहुत से नुस्खे आप लोगों के साथ शेयर किए, उम्मीद करती हूँ कि आप उनके ऊपर अमल करके ना सिर्फ फायदा हासिल कर सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगियों को भी बेहतर बना सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।